दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, तो देख लेते हैं इस पूरी न्यूज़ को। इसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा कब हो सकती है। रेलवे के 90,000 पद के लिए 3.5 करोड़ आवेदन, 2.37 करोड़ अभ्यर्थियों ने भरा शुल्क। और अगर हम लोग पूरी न्यूज़ को देखें तो सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं। न्यूज़ ये है कि देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि जब भी कोई विभाग नौकरी देने का ऐलान करता है तो अभ्यर्थी उस नौकरी को पाने के लिए टूट पड़ते हैं। बेरोजगारी किस कदर बढ़ी हुई है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रेलवे के 90,000 पदों के लिए 3.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया, ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों के लिए दौड़ में शामिल हुए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुल आए आवेदन में से 2.37 करोड़ अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिन्होंने आवेदन के साथ विवरण भरकर शुल्क का भुगतान किया है। हालांकि इन आवेदनों को अभी नियम और शर्तों पर कसा जाना बाकी है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अश्वनी लोहानी खुद इस परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए, परीक्षा को लीक प्रूफ रखा जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए करीब 1,000 प्रश्न तैयार किया गया है। सभी पदों के लिए 2 फेज में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले फेज की परीक्षा अगस्त तक होगी, यानी कि अब जो परीक्षा होने वाली है इसके लिए आप लोग श्योर हो जाइए कि परीक्षा होने जा रही है अगस्त में। सीबीटी फर्स्ट फेज की जो परीक्षा होगी वो कब होगी, वो परीक्षा अगस्त में होगी। हालांकि फाइनल रिजल्ट अगले साल के मार्च महीने में ही घोषणा की जाएगी, तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि कुल मिला के अगर देखा जाए तो परीक्षा लगभग 10 से 12 दिन चल सकती है और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया को संपन्न होते होते काफ़ी वक्त लगेगा। अगस्त से लेके मतलब मार्च तक का वक्त लग जाएगा इस पूरी प्रक्रिया को कन्फर्म होने में। तो रिजल्ट जो होगा वो अगले साल यानी कि मार्च 2019 में ही आएगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी दक्ष एजेंसी की मदद ली जाएगी। प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर रैंडम तरीके से अभ्यर्थियों के सामने आएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रश्न तैयार कर रहा है, अभी से ही प्रश्न लीक नहीं हो इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रेलवे ने कुल 1,10,000 नौकरी देने की घोषणा की है। इनमें से 90,000 पद ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इन पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा इसी महीने रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के पदों के लिए आवेदन मांगा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जो है आरपीएफ के लिए आवेदन भी आने वाला है, आप लोग तैयार रहिए। और इस तरीके से यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि परीक्षा जो होगी वो पहले फेज की यानी कि सीबीटी फर्स्ट फेज की परीक्षा अगस्त में होगी। तो अब आपके पास काफ़ी वक्त है और इस वक्त को सही तरीके से बांट कर तैयारी में लग जाइए और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उसको मैं रेगुलरली आप तक जल्द से जल्द पहुँचाता रहूँगा। हमारे चैनल पर आप बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर वीडियो और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।